पवन सिंह हमेशा अपने पर्सनल रिश्तों को लेकर विवादों में रह जाते हैं। भले ही प्रोफेशनली उनके राइवलरों को हिम्मत न पड़ती हो कि उनके खिलाफ कुछ कहें कुछ बोले, लेकिन पर्सनली बहुत कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं और पवन के ना चाहते भी वो मीडिया में आ ही जाती हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह के बीच हुई बात तब लीक हुई जब ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह को ये कहा कि मैं तो पवन सिंह से शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे एक व्यक्ति यानी जो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं उनका उदाहरण दिया गया कि पवन सिंह बिल्कुल उनकी तरह हैं और मैं भी यही समझी कि पवन सिंह बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। बाद में मुझे ये पता चला कि पवन सिंह तो उनके इर्द गिर्द भी नहीं है। पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ बोलते हुए इस फोन रिकॉर्डिंग जो लीक हुई है इसमें अक्षरा सिंह के साथ बहुत कुछ बोलते हुए ज्योति सिंह ने बहुत कुछ ऐसे बातों का खुलासा किया, नीलम तक की बात यानी पवन सिंह की पत्नी नीलम तक की भी बात कर डाली और पवन को बहुत ही एरोगेंट बताया। पवन को ये भी कहा कि वो तो ये सोचते हैं कि दुनिया की कोई भी औरत उनके बिस्तर तक आ सकती है। यानी कि ज्योति सिंह ने बहुत कुछ कहा और अक्षरा सिंह सुनती रही। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि एक इंसान जो कि पवन सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, उसकी दुश्मनी पवन सिंह से चल रही है, पवन सिंह से उसका झगड़ा चल रहा है, ज्योति सिंह जबकि अक्षरा सिंह को फ़ोन करती हैं सारी बात बताने के लिए, आपको लगता है कि अक्षरा सिंह बिल्कुल नहीं बोलेंगी? और वैसे भी ज्योति सिंह वाली बात का पार्ट लीक हुआ था, इस बात की तो पार्ट लीक ही नहीं हुआ, यानी कि ये पूरी तरह से साजिश के तहत ही ये पार्ट लीक करवाया गया। वैसे ये बीते जमाने की बात हुई, लेकिन आज क्या हो गया, ज्योति सिंह ने इतना कुछ अक्षरा सिंह को जो कहा एक भरोसे से कहा और बदले में अक्षरा सिंह ने वो रिकॉर्डिंग लीक करवा दी। लीक करवाने के बाद अक्षरा सिंह तो अपने घर ही थी, उनका क्या बिगड़ता, उल्टा उनके फैंस फॉलोअर और बढ़े और उनकी एक कैरियर में ऊंचाई और आई। वो इंडिविजुअली स्टेज शो करने लगी और एल्बम करने लगी, गाने गाने लगी, उनका एक तरह से देखा जाए तो करियर सेट था। लेकिन इन सब के पीछे अगर किसी का कुछ बिगड़ा तो ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते में फिर मिठास कभी नहीं आई। आपने गौर किया होगा कि एक सालों के दौरान ज्योति सिंह और पवन सिंह काफ़ी कम बार एक साथ रहे हैं। ज्योति सिंह का ज़्यादातर समय अपने मायके में ही बीतता है और पवन सिंह अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ, ये बात और है, कई बार अपनी पत्नी को मनाने या अपनी पत्नी से मिलने वो बरेली गए हैं, लेकिन हर बार वो वापस अकेले ही आए हैं। ज्योति सिंह उनके साथ रिटर्न कभी नहीं आई आ रहा। ज्योति सिंह अगर मुंबई में भी उनके साथ रहती तो बहुत कम टाइम तक के लिए, और फिर वो अपने मायके चली जाती। आपने नोटिस किया होगा लॉकडाउन में ज्योति सिंह के साथ ही थे पवन सिंह। पवन सिंह ने शायद बहुत कोशिश की होगी ज्योति सिंह को अपने साथ लाने के लिए, लेकिन ज्योति सिंह उनके साथ उनके घर आए ही नहीं। ज्योति और पवन के रिश्तों में उस कॉल रिकॉर्डिंग ने ऐसा विष घोला कि आज भी ये दोनों एक नहीं हो पाए। हाँ, इसमें अगर कोई बना तो अक्षरा सिंह बन गई। वैसे ज्योति सिंह को ऐसी उम्मीद तो अक्षरा सिंह से नहीं रही होगी कि अक्षरा सिंह ऐसे वक्त में ये कॉल रिकॉर्डिंग लीक करेंगे, लेकिन इस बात की भी कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला कि क्या ये ज्योति की ही आवाज़ है या अक्षरा सिंह की ही आवाज़ है। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि अक्षरा सिंह ने ही इसे लीक किया है और आगे चलकर ये भी पता चल गया कि आवाज़ भी अक्षरा सिंह की है और दूसरी तरफ आवाज़ ज्योति सिंह की ही है। खैर, चाहे जो भी हुआ हो, इन सब सारे विवाद में न ज्योति सिंह ने ही पवन सिंह का कुछ बिगाड़ा और ना ही अक्षरा ने। अगर कुछ बिगड़ा तो ज्योति और पवन के रिश्तों में जो मधुरता रहनी चाहिए थी और जो प्यार रहना चाहिए था वो बिगड़ा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।